नमस्कार, स्वागत है वीके न्यूज एमपी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण चौहान। मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए रामनवमी पर एक हादसे के बाद देश भर में शोक की लहर है, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मृतक के परिजन और घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद उन्हें घायलों के परिजनों के विरोध का सामना करना पड़ा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कह रही है मध्य प्रदेश कांग्रेस। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल इंदौर के बावड़ी हादसे में घायल हुए पीड़ितों से मिलने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे। उनके साथ भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर किया है। साथ ही लिखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के नेताओं को एप्पल अस्पताल में हादसे में शामिल परिवारों ने विरोध कर खदेड़ा। बीजेपी नेताओं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर कहा कि काहे का नंबर वन, जब किसी आपदा से निपटने का साधन और व्यवस्था ही नहीं। शिवराज जी, यही है आपके 18 वर्षों का हासिल। इस वीडियो में आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी देख सकते हैं। जिसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक और वीडियो शेयर किया और साथ ही उसमें कैप्शन में लिखा कि बीजेपी नेता की सर्वनाश करतूत, इंदौर हादसे में अपनों को खोने वाले से ही हाथापाई। मुख्यमंत्री शिवराज के विरोध में नारे लगा रहे परिजनों से बीजेपी के शहर अध्यक्ष गोरन रणदीवे ने हाथापाई कर बेशर्मी का इतिहास रच दिया। शिवराज जी मरहम लगाने गए थे या जख्म देने, बेशर्म बीजेपी। हालांकि ये दोनों वीडियो की पुष्टि वीके न्यूज एमपी नहीं करता है। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर और इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबर में इतना ही, बने रहिए वीके न्यूज एमपी के साथ। नमस्कार। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।